करके पशुओं का मांस खाता था दोस्तों, जड़ी बूटियां भी वो खा लेता था, और वो जड़ी बूटियां जो है दोस्तों उसके शरीर में बीमारी को बचाने के लिए भी कामयाब आती थी। और दूसरा ये कि वो झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाने की तलाश में घूमता रहता था। यही स्ट्रगल हम देखते हैं मनुष्य का कि वो जंगलों में कैसे जीवन व्यतीत करता था। बाढ़ आई, बरसात आई और बिजली कड़की, तो वहाँ से हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो है दोस्तों डर लगना महसूस हुआ। वो डर के कारण हम देखते हैं कि मनुष्य भागकर पेड़ों पे चढ़ जाता था। पत्थर का इस्तेमाल करना उसने शुरू किया दोस्तों। पत्थर सबसे पहले जो उसका औजार था वो पत्थर का माना जाता है, और हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं दोस्तों। सो बटीकाश्म सबसे पहला हथियार मनुष्य का होता था। बटीकाश्म जो झरनों से बहकर आया हुआ गोल पत्थर जो एक हाथ में आसानी से आ जाता था, उसको बगा करके वो मारता था। तो सबसे पहला हिंसक जानवरों से बचने के लिए उसने पत्थर के औजारों का वो किया दोस्तों। और जल्दी शिकार मनुष्य हिंसक जानवरों का हो जाता था, क्योंकि वो चारों पैरों पर चलता था और चारों पैरों पर वो दूर तक नहीं देख सकता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बुद्धि ने विकास करना शुरू किया तो पैर भी सीधे होने लग गए और हाथों में भी काम करना स्टार्ट किया, तो वो दो पैरों पर खड़ा होकर के सीधा चलने लगा। अब रीढ़ की हड्डी में विकास होने लग गया था, अब वो दूर तक देख सकता था, पेड़ों पर चढ़कर वो अलग अलग एक्टिविटी भी करता था। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन जो है धीरे धीरे मनुष्य की ज़िंदगी में बदलाव आया दोस्तों। तो वो धीरे धीरे जो है दो पैरों पर चल के दूर दूर तक वो देख लेता था कभी हिंसक जानवर ना आ जाए। और जब वो हिंसक जानवरों को देखता था, क्योंकि ज़्यादा शिकार हो जा करता था मनुष्य जब इतना मतलब बुद्धि ने विकास नहीं किया था, तो जैसे शेर वगैरह, मैमल्स वगैरह, भालू वगैरह, इस प्रकार के जो हिंसक जानवर थे दोस्तों, तो मनुष्य का शिकार आसानी से कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, हड्डी के औजार बनाना शुरू किया और लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो हिंसक जानवरों से दोस्तों बचने लग गया था। अब वो धीरे धीरे पत्थर को इस्तेमाल में लेके आने लग गया था, अलग अलग उसके तराशने लग गया था पत्थर को, अलग अलग तरह की उसने दोस्तों हथियार बना लिए थे पत्थर के ही नुकीले।